महापौर मालिनी गौड़ और निगम आयुक्त आशीष सिंह ने गुरुवार को विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान जयरामपुर से लेकर गोराकुंड चौराहे तक जारी सड़क निर्माण कार्य में बाधक बन रही धार्मिक स्थलों के विस्थापन को लेकर योजना बनाने पर चर्चा की गई। योजना के अनुसार बाधक धार्मिक स्थलों को मंदिर कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। निगमायुक्त 100 दिन में सड़क निर्माण पूरा होने की बात दोहराई। महापौर ने प्रदेश सरकार के असहयोग के बावजूद भी विकास कार्यों के दम पर चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर की चौका लगाने की बात कही। महापौर मालिनी गौड़ और निगमायुक्त आशीष सिंह ने सुबह जयरामपुर से लेकर गोराकुंड चौराहे तक बनने वाली सड़क बाधक धार्मिक स्थल के साथ ही शहर में चल रहे कई अन्य विकास कार्यों का अवलोकन किया। ये भी देखना है कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं थी, आपने फटकार भी लगाई है कामों को लेकर। मैं लगातार कामों की समीक्षा करती हूँ और लगातार निर्देश भी देती हूँ। अभी मैंने सभी को निर्देश दिए थे, स्वच्छता वाले अधिकारियों को, जिस प्रकार से इंदौर शहर के जो डिवाइडर है बहुत गंदे हो रहे हैं, उसकी धुलाई के निर्देश दिए थे, और जहाँ जहाँ मलबा पड़ा है वो उठाने के निर्देश दिए। पिंचिंग ग्राउंड में जो कचरा दबा है उसमें बारिश का पानी होने के कारण वहाँ से बदबू फैल रही है शहर में। देखिए, ये पूरी तरीके से अवैज्ञानिक चीज़ है जो बोली जा रही है, और ये कोई हस्तलिखित ऐसी कोई रिपोर्ट का उदाहरण दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से गलत है। नंबर एक तो जो कचरे का जो भी निपटान है वो पूरी वैज्ञानिक ढंग से हम लोगों ने पूरा का पूरा जो न्यूट्रलाइज उसको करके, जो उसमें एक्टिव एजेंट थे और उनके बायो रिमेडिएशन करके हमने उसका निपटान किया है, उससे कोई भी इस प्रकार की बदबू फैलने की आशंका नहीं है। दूसरा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस चीज़ की तस्दीक कर चुका है कि जब टंचिंग ग्राउंड के आसपास ऐसी बदबू नहीं आती है तो उसका सोर्स वो कैसे हो सकता है जो शहर के अगर दूसरी जगह बदबू आ भी रही है। तीसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ से भी बदबू की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जब भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम गई है, नगर निगम की टीम गई है, तो वहाँ के लोगों ने मना किया है और वहाँ पर कोई ऐसी बदबू मिली भी नहीं है। मैंने पहले बताया है कि सर्दी के कारण हवा चूँकि भारी हो जाती है, इसीलिए जो लोकल सोर्सेज होते हैं, अगर नाले के पास से आप गुजरोगे तो हो सकता है वहाँ की दुर्गंध थोड़ी ज़्यादा है, अगर आप चौराहे पे खड़े हो तो ट्रैफिक का जो एमिशन होता है उसकी वजह से शायद दुर्गंध ज़्यादा है, लेकिन ऐसा किसी एक स्रोत की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर कोई ऐसी बदबू फैली है अभी तक इसके कोई भी प्रामाणिक तथ्य नहीं मिले हैं। एक दो लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि पलासिया से बंगाली चौराहे के बीच में बहुत ज़्यादा बदबू फैलती है। मेरे द्वारा स्वयं उसकी जांच की गई। मैंने बीच में पलासिया से बंगाली चौराहे के बीच में 3-4 जगहों पर उतरकर जो आसपास के ठेले वाले थे, दुकान वाले थे, उनसे बात करी। उन्होंने पूरी तरीके से इनकार किया कि यहाँ कभी भी बदबू की इस प्रकार से शिकायत नहीं रही है, क्योंकि मीडिया में यही बात पहुँचाई जा रही थी कि बंगाली चौराहे से पलासिया के बीच में लगातार बदबू आ रही है।